ये देखिए। कंप्लीट हो गए, अब आते हैं राइडिंग पे। राइडिंग मोड के अंदर आपको जो इसमें ये समझ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मारवाड़ ऑटोमोबाइल की एक नई वीडियो में। तो आज अपनी ओला S1 में मूव ओवर्स 3 का अपडेट आ चुका है, उसी अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो बताइएगा आपको अपडेट में कौन सी चीज़ अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में, और कौन सी चीज़ आगे आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्लस मीटर से। इस पर आप देखिए ये थीम चेंज होगी, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। एक ये थीम है, एक ये है विंटेज, तीन थीम है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए, जैसे विंटेज में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप ये ऑटो मोड कर सकते हैं, दिन में वाइट, दिन में ये इसको वाइट थीम रहेगी, नाइट में ये रहेगी, इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं, खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। एक थीम तो ये हो गई इसके अंदर, ठीक है। थीम अपन ने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, ये अप्लाई हो रखी है ऑलरेडी। अब सेकंड आते हैं अपन, ये देखिए। अब डिस्प्ले में तीन ऑप्शन आ गए हैं, पहले सिर्फ ऑटो का नहीं आता था, लाइट एंड डार्क का आता था, अब ऑटो का आ गया। ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ये टच थोड़ा सा आपको पता है ओला S1 का कैसे करता है, ओला का ये लाइट का ये डार्क का। तो ये ऑटो का जो फीचर्स है ये नया आ गया इसमें, ये ऑटो का फीचर्स में नया आ गया है, ठीक है। अब ब्लूटूथ में अब आप दो तीन एक साथ पेयर कर सकते हैं आप, वो आपको ऐप में दिख जाएगा। ये वाईफाई का भी आ गया, वाईफाई आप इसमें कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियर बाई हो। साउंड में आते हैं, साउंड में जो मोड का साउंड है वो आप बंद कर सकते हो, मोड का साउंड भी मैं आपको सुना दूंगा, और उसको बंद और चालू दोनों कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लाइट पे, लाइट पे ये इंडिकेटर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर सब बंद हो चुके हैं इसके दोनों, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ वापस से। ये अब इंडिकेटर्स इसके पार्किंग ऑन हो गई है, दोनों काम करेंगे इसमें इंडिकेटर, ये देखिए। और सेकंड जो आते हैं अपन इस पर, ये हेडलैम्प, स्मार्ट हेडलैम्प, इसको आप ऑन कर सकते हो, ये स्मार्टली काम करेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है, रिंग लाइट मैंने ऑन कर रखी है, इसमें रिंग लाइट बंद भी होती है। ये मैंने हेलो लैम्प इसकी बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए सिर्फ यही जबेगी, हेलो लैम्प नहीं चलेगी। अब अपन क्या करते हैं, स्मार्ट हेडलैम्प को बंद कर देते हैं और सिर्फ हेलो लैम्प ऑन करते हैं, और ये सेफ्टी लाइट्स को भी, इंडिकेटर को भी बंद कर देते हैं। अब ये देखिए सिंगल आपकी जलती रहेगी जब तक आप इसको लॉक नहीं करते, तब तक ये जलती रहेगी। इसके अंदर ये फीचर बहुत अच्छा दे दिया है। अब इस पर आ गया आपका, ये ऑप्शन सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं राइडिंग पे। राइडिंग मोड के अंदर आपको जो इसकी ब्रेकिंग रिजनरेशन वाला जो फीचर दिया गया है, लो, डिफॉल्ट और हाई, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको अप्लाई कर सकते हो। इसमें दिया गया है जिस अकॉर्डिंग आप, जैसे लो में यूज़ करोगे तो ब्रेकिंग कम लगेगी, हाई में यूज़ करोगे तो मैक्सिमम रिजनरेशन होगा और ब्रेक भी जल्दी रिलीज लगेंगे। मैंने इसको डिफॉल्ट पे कर रखा है। ये हिल होल्ड असिस्ट वाला जो फीचर था ये अभी नहीं आया है इसके अंदर, ये अभी कमिंग सून पे है। बैटरी में, बैटरी का क्या है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप इसको वेकेशन मोड ऑन करके छोड़ दोगे तो ये बैटरी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगा। ये फीचर भी बहुत अच्छा दिया गया है, इसको आप सेट कर सकते हो। जैसे इसको सेट करते हैं तो ये पूछता है, द स्कूटर विल बी शट डाउन एंड गो इनटू वेकेशन मोड आफ्टर लॉकिंग, लॉक करने के बाद ये चला जाएगा। पासकोड वाला फीचर वही सेम है। अब इसमें आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट आपको ऐप में जाके अटैच करने होंगे। पहले आप अपनी ऐप में डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, वो यहाँ आपको शो कर देंगे। जैसे डीएल वगैरह करना हो आपको, आरसी करनी हो तो आप शो कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट, ऑटो डाउनलोड, ये तो ऑलरेडी है अपना, और ये मेरी कितनी चली हुई है। तो ये फीचर जो हैं, ये नए फीचर इसमें आ चुके हैं और ये बहुत ही प्यारे फीचर दिए। अभी भी इसमें कई फीचर मिसिंग हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कब तक आते हैं। बाकी मैं आपको साउंड वगैरह सुना देता हूँ, इसका साउंड कैसा है, ये देखिए। ये विंटेज मोड का है, अब दूसरे मोड का देखते हैं अपन साउंड, बोल्ट मोड का।
ये अपन ने अप्लाई कर दिया। ये आपने इसका देख लिया, इसको आप बंद भी कर सकते हो। बंद का मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था अभी, विंटेज मोड का मैंने आपको दिखाई दिया। ये एक्लिप्स मोड है, जो नॉर्मल मोड है, जो पहले भी आया करता था। तो ये कुछ फीचर्स हैं, मुझे लगता था आपको दिखाने चाहिए थे, और बहुत ही प्यारे फीचर्स हैं ये, नो डाउट। तो इसी तरह की ओला S1 से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।